हेलो एवरीवन, दिस इज रितिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पर्पल हॉल शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। और जो ये प्रोडक्ट है ये एवरीडे यूज़ होने वाले हैं, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है। एक्चुअली मुझे लगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा अनबॉक्सिंग करने में, तो एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है गुड वाइब्स की मल्टी विटामिन स्किन इन्हेंसमेंट फेस क्रीम। ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, इसे मैंने दोबारा से ऑर्डर किया है। ये बहुत अच्छी क्रीम है और गुड वाइब्स के ज़्यादातर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। कुछ प्रोडक्ट मैं कह सकती हूँ कि इतने अच्छे नहीं हैं। एक्चुअली मैंने गुड वाइब्स की कोकोनट क्रीम यूज़ की थी, उसकी स्मेल तो माय गॉड बहुत अच्छी थी, बट वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी था, चिपचिपी थी। उसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट महसूस होती थी, तो मैंने उसे अभी तो यूज़ नहीं किया, एक दो बार ही यूज़ किया। मुझे एक्चुअली फेस वॉश करना पड़ा उसको लगाने के बाद, तो अभी मैं उसको नहीं यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा जिसकी ड्राई स्किन हो तो वो उसे यूज़ कर सकता है, तो मैं विंटर जब आएगी तो मैं उसे यूज़ करूँगी। तो इस क्रीम में नो पैराबेन, नो सल्फर, नो मिनरल्स ऑयल, तो ये बहुत अच्छी क्रीम है। अगर आप डे क्रीम की कोई क्रीम देख रहे हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी क्रीम है और ये स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करके रखती है। इसकी कॉस्ट है 225 रुपीज़ और ये मुझे डिस्काउंट में मिली है 180 रुपीज़ में। ये गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल है, इसे मैंने यूज़ नहीं किया है अभी, पता नहीं ये कैसा होगा, तो अभी मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। जब मैं इसे यूज़ करूँगी फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। सो नेक्स्ट इज ये है गुड वाइब्स प्लस डे लोशन। ये गाइस ऑसम प्रोडक्ट है, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इसमें एलोवेरा है, विटामिन ई है, एज डिफाइंग प्लस मॉइस्चराइजिंग विद मिल्क प्रोटीन और पैराबिन फ्री है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसका कंटेनर देख सकते हैं आप, कांच का कंटेनर है और बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग है। जस्ट अ मिनट ब्रूनो, तो ये बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आते हैं प्रोडक्ट्स, और ये बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट आप इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ज़रा सा प्रोडक्ट लगता है और बहुत अच्छे से फेस पर ये स्प्रेड होता है। और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्मेल है गाइज इसकी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो नेक्स्ट इज ये है एल्प्स गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी पाउडर और ये है नीम पाउडर। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, इसे मैं यूज़ कर चुकी हूँ। एल्प्स गुडनेस के भी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। इसमें एक पाउडर आता है जिसमें मुल्तानी मिट्टी, नीम और टर्मरिक मिक्स होता है, बट वो बहुत रेयर मिलता है, वो ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। मैंने उसे ऑर्डर लिस्ट में ऐड किया बट ऑर्डर करने में थोड़ा सा टाइम हुआ जिसकी वजह से वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप रोज़ वाटर डाल लो क्योंकि पेस्ट बनाना है, या फिर कच्चा दूध डाल के मिक्स करके एक अच्छा सा फेस पैक रेडी हो जाता है। तो इसकी कॉस्ट है, ये है मुल्तानी मिट्टी पाउडर, इसकी कॉस्ट है 55 रुपीज़ और आई थिंक ये मुझे 40 रुपीज़ का पड़ा था। और इसकी कॉस्ट है नीम वाले की 60 रुपीज़ है और ये मुझे 48 समथिंग कुछ पड़ा था। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं ये। ये है NYB का नेल रिमूवर, इसे भी मैंने यूज़ किया है, ये भी बहुत अच्छा है। रिमूवर इसकी कॉस्ट है 49 रुपीज़ और ये मुझे पड़ा है 38 रुपीज़ में। और ये है गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम, इसे मैंने यूज़ नहीं किया अभी, पता नहीं ये कैसा होगा। आपको मैं इसे अंदर से खोल के दिखाती हूँ। ये इस तरह से एक छोटा सा कंटेनर है और इसके साथ ये ड्रॉपर मिलता है, इसे मैं यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। इसकी कॉस्ट है, ये है 225 रुपीज़ और मुझे 180 रुपीज़ में मिला था। सो ये है NYB का आईलाइनर, ये बहुत अच्छा है, इसे मैंने यूज़ किया है। ये बहुत ज़्यादा डार्क है, इंस्टेंट ड्राई हो जाता है बट वाटरप्रूफ नहीं है। जिस तरह से लैक्मे का है ये वैसा ही है, बट लैक्मे से ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है और काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका ब्रश भी काफ़ी अच्छा है, पतला है, आप देख सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी कॉस्ट है आई थिंक
₹60। तो अच्छा प्रोडक्ट है, यू कैन बाय। नेक्स्ट इज ये है NY बेका फाउंडेशन कंसीलर कंटूर कलर करेक्शन स्टिक। ये बहुत सी चीज़ों में काम आता है, फाउंडेशन के लिए काम आ सकता है, कंसीलर कंटूर कलर करेक्शन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने यूज़ किया नहीं है कभी। ये बहुत प्यारी सी एक छोटी सी स्टिक है, ये इस तरह से। ये पहले मैं इसे यूज करूंगी, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ये है एल्फ्स गुडनेस का सैंडलवुड टोनर। ये बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसे मैंने यूज किया है, ये बहुत अच्छा है। तो ये थे मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इन एक एक प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।